चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इफ एक्स पावर पी वाई पावर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर पी प्लस क्यू, तो प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेस है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन को, एक्स पावर पी वाई का पावर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर पी प्लस क्यू। अब हमें दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें वाई पावर कुछ दिया होगा और एक्स पावर, तो वहां पे हम लोग लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स पावर पी और वाई का पावर क्यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई का होल पावर पी प्लस क्यू। और यहाँ से अब हम लॉग की जो लॉगरिथमिक रूल है उसको अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग एक्स पावर पी प्लस लॉग वाई का पावर क्यू। इधर से क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू और यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। यहाँ से फिर से लॉग एम के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा पी लॉग एक्स और इधर हो जाएगा क्यू लॉग वाई, और फिर इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों यहाँ से इतना हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब हमें चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इसको इक्वेशन हम लोग वन मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इधर आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन से क्या होता है वन बाई एक्स प्लस क्यू, और लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन बाई वाई, और इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पी प्लस क्यू यहाँ से कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर हम लिख लेंगे, और लॉग एक्स प्लस वाई का हो जाएगा दोस्तों वन अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम लोग करेंगे वन का एक्स सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन का, तो वन आ जाएगा और इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इधर आ जाएगा पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई, और इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर आ जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म है उनको हम एक तरफ कर लेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ से आएगा पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई, पी बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो सॉरी इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का वन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वन और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए पी बाई एक्स है माइनस, इसको हम इधर ले आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म हम राइट साइड हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू बाई वाई, और प्लस यहाँ पे बनेगा ये हो जाएगा माइनस में, और इधर बनेगा पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस का क्यू एक्स माइनस का क्यू वाई प्लस का पी वाई प्लस का क्यू वाई अपान वाई इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा इधर से, इसको हम ब्रैकेट में हम रख लेंगे और इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए पी एक्स यहाँ पे पी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा पी वाई माइनस का क्यू एक्स अपान एक्स एक्स प्लस वाई, और इधर बचेगा क्यू वाई से क्यू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर बचेगा पी वाई माइनस का क्यू एक्स और डिवाइडेड बाई वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स।
तो दोस्तों यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा एक वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, वाई बाई एक्स, और यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करने का यही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गिवन है ए इक्वल टू, यहाँ मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -1 2। तो हमें और इस यहाँ पे देखिए ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+7, और हमें एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+7। तो अगर हम एफ ए की वैल्यू निकालें क्या होगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4a और +7 आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर हमें एफ ए अगर निकालना है तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, और ए तो यहाँ से आ जाएगा। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 3 -1 2। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 2 3 -1 2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 -1 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, रुबाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 4 -3, तो यहाँ से आ जाएगा -2 -2, तो और यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 + 3 2 जा 6, और यहाँ से हो जाएगा -3 + 4। तो देखिए कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया 2 2 जा 4, और यहाँ से 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 2 को -1 से करेंगे तो -2, और 2 को -1 से किया तो -2, 3 को किया 2 से 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 3 को -1 से करेंगे -3, और 2 2 जा 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, और 12 आ जाएगी इधर, -4 आ जाएगा इधर, आ जाएगा 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 12 -4 1। अभी इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और -4 और 1, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और -4 × ए की वैल्यू कितना है, 2 2 3 -1 2 +7। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे 1 0 0 1, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और 12 -4 1, इधर से आ जाएगा माइनस का, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 0 0 7। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, इससे हम माइनस करेंगे तो 1 -8 और +7, तो 1 -8 -7 बनेगा, और +7 0 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे -4 और -4, यहाँ पे -4 -4 माइनस का -4 और -, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 12, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 1 -8 तो -7 आएगा, +7 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स बनेगी, 0 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। और अब यहाँ पे जो एफ ए की वैल्यू आई है, एफ ए की वैल्यू वो 0 आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स और जिसके एलिमेंट रिप्रेजेंट किए गए हैं ए आई जे इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले और 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है हमें। तो 2x2 की मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, a11 a12 a21 a22, और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे a11 मैट्रिक्स। देखिए कैसे, मान लो मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, a12 a11 a12 a21 a22।
यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हम a11 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इसे, ए आई के स्थान पे 1 रखेंगे, जे के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2 a11। अगर a22 की वैल्यू निकाले, a12 की निकालते हैं पहले, a12 करेंगे, आई के स्थान पे 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, a12 की वैल्यू आ जाएगा 5। और हम निकालेंगे a21। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ जो हो जाएगा 4 और 1 5 आ जाएगा a21। और a22 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 1 का सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 8 a22। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, a11 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है, a12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a12 आ जाएगा यहाँ पे 5, a21 कितना आ जाएगा 5 और a22 कितना आ जाएगा 8। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स रेडी हो गई है 2x2 की। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, और ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए